क्या आप भी किडनी की दिक्कतों से ग्रसित हैं? या आप भी बढ़ी हुई क्रिएटिनिन लेवल से परेशान हो चुके हैं? क्या आप भी डायलिसिस से निजात पाना चाहते हैं और दवाइयों से हार चुके हैं? तो चलिए आज आपको एक ऐसे ही पेशेंट से मिलवाते हैं जिनकी डायलिसिस बंद हो चुकी है और क्रिएटिनिन लेवल काफी कम हो चुका है। नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं नेशनल खबर और मैं आपके साथ प्रज्ञा झा। जिन पेशेंट की हम बात कर रहे हैं वो अभी कोलकाता में रहते हैं, लेकिन दिल्ली के कर्मा आयुर्वेदा में उन्होंने अपने किडनी की जो दिक्कतें थी उनको लेकर ट्रीटमेंट कराया और फिलहाल के लिए उनका क्रिएटिनिन लेवल 18 से 1.1 पर पहुंच चुका है और डायलिसिस पूरी तरीके से बंद हो चुकी है। ये पूरी बातचीत पेशेंट के रिलेटिव से की गई है, जो कि डॉक्टर पुनीत जो ट्रीट करते हैं उनसे ये खास बातचीत हुई है पेशेंट के साथ, वो आप सुनिए। लेकिन इन सभी चीज़ों के बीच डॉक्टर पुनीत का एक बड़ा दावा है, कर्मा आयुर्वेदा का एक बड़ा दावा है कि सिर्फ ये एक पेशेंट नहीं है जो ठीक हुए हैं, ऐसे कई पेशेंट हैं जो कि कुछ महीनों के अंदर में ही किडनी की दिक्कतों से आयुर्वेदिक तरीके से ठीक हो चुके हैं। और इसमें सबसे जो बड़ी बात है ये है कि ये जो पेशेंट जिनकी वीडियो आप देखने वाले हैं, ये सिर्फ 2 से 2.5 महीने के अंदर में इनका क्रिएटिनिन लेवल जो 18 पे था वो 1.1 पर पहुंच चुका है। तो सुनिए ये पूरी रिपोर्ट। नमस्कार दर्शकों, क्रिएटिनिन 15 हो और नॉर्मल हो जाए, इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है मेरे लिए और पेशेंट के लिए और सभी किडनी के मरीजों के लिए। इतना हाई लेवल क्रिएटिनिन 15 और मात्र 2 महीने में वो क्रिएटिनिन नॉर्मल हो जाए और डायलिसिस चल रहा हो और डायलिसिस 2 महीने में बंद हो जाए। जी हाँ, ये जो मैं कह रहा हूँ ये बिल्कुल हुआ है और मिलवाएंगे उन्हीं पेशेंट से आपको और जानेंगे उन्हीं से क्या समस्या थी और कैसे कैसे आराम मिला है। क्या नाम है पेशेंट का? नाम सोहेल अख्तर है। सोहेल अख्तर, हाँ। कौन है? अंकल है और ही वाज गोइंग थ्रू ट्रीटमेंट इन कोलकाता। सडन से उनका मतलब ये चीज़ किडनी पे जो का ये हुआ, सो वो एडमिट हो गया हॉस्पिटल में। तो उसके बाद फिर जैसे ही उनका इलाज चल रहा था, डायलिसिस चल रहा था, उसी दौरान उन लोगों ने इंटरनेट पर सर्च किया और कर्मा आयुर्वेदा के बारे में जाना। तो फिर हम यहाँ रहते हैं दिल्ली में, हम करोल बाग में रहते हैं, तो हम फिर यहाँ कनेक्ट किए इनसे आए, तो इन्होंने कहा कि आइए अपॉइंटमेंट ले करके मिलिए पैसे और फिर यहाँ से इलाज चलेगा और यहाँ पे बेहतरीन किडनी का इलाज होता है। मैं पूरा सर्च करके आया था यहाँ पे, है ना, और मुझे सेटिस्फेक्शन मिला। अभी देखते बहुत अच्छा रिजल्ट रहा, तो मतलब आई एम कम्प्लीटली सेटिस्फाइड। तो जब आए थे सोहेल अख्तर जी, आपके मेटरनल अंकल हैं? पेटरनल अंकल है? ये मेटरनल, ये पेटरनल अंकल है। क्या लगते हैं? मेरे चाचा जान है। चाचा जान है। तो चाचा जान जब आपके आए थे तो उस समय क्रिएटिनिन कितना? जब पहले इनिशियल में 18 था, उसके बाद जा करके बीच में जब डायलिसिस वगैरह थोड़ा बहुत हुआ तो डायलिसिस के बाद जो होता था आता था रिपोर्ट, उसमें भी 3.4 होता था, ठीक है, और अब जो है 1.3 का हो गया। 18 क्रिएटिनिन चल रहा था इनका 2 महीने पहले। कहाँ के रहने वाले हैं? हम लोग बिहार के रहने वाले। बिहार में कहाँ से? गया। गया, गया में कहाँ? गया में करीमगंज। करीमगंज। तो 18 क्रिएटिनिन था, तो उस समय क्या बताया था गया में आपको डॉक्टर्स ने? असल में गया में नहीं, हम वो मेरे अंकल जो है वो कोलकाता में ही रहते हैं, वहाँ पे काम करते थे, है ना, तो वहाँ पे मतलब ही वाज क्रिटिकली, आप समझ सकते हो कि 18 क्रिएटिनिन हो तो कैसा होगा, तो उनको एडमिट कर लिया गया। ही वाज कम्प्लीटली ऑन बेड और उनका डायलिसिस वीक में 2 बार हो रहा था। वीक में 2 बार डायलिसिस हो रहा? वीक में 2 बार डायलिसिस। अच्छा, ये कितने महीने पहले की बात है? ये अभी वही 45 डेज पहले की बात। 45 डेज पहले ट्वाइस इन अ वीक डायलिसिस हो रहा था। अभी 15 डेज और मोर देन अराउंड 20 डेज बैक उनका डायलिसिस बंद हो गया। 15 से 20 दिन हो गए यहां पे डायलिसिस नहीं कराया है। हां, फिजिकली ठीक लग रहे हैं? हां, फिजिकली एकदम फिट हैं। अभी बात भी कराई डॉक्टर कामिनी से मैंने उनकी, है ना, सो मतलब ऑल फाइन आई थिंक, क्योंकि जैसा उन्होंने फीडबैक दिया उससे वही था कि हां सब ठीक है। बहुत अच्छे रिजल्ट्स नजर आए हैं और क्रिएटिनिन जो है वो बहुत कम हुआ है इनका। 18 क्रिएटिनिन, रिपोर्ट स्पीक लाउडर देन द वर्ड्स, 18 क्रिएटिनिन है। कहां से कराया? एबीजी एनालिटिक्स। कहां से कराया? जैसे आपने कोलकाता से, राइट? कोलकाता। 15 प्लस क्रिएटिनिन लेवल है, आप देख सकते हैं इसमें 15 से ऊपर है क्रिएटिनिन लेवल पेशेंट का जब वो आए हैं हमारे पास। और ये है 31/3/2023 की रिपोर्ट, 31 मार्च 2003, 15 से ऊपर, दूसरी रिपोर्ट में 18 भी आया होगा, 18 के आसपास क्रिएटिनिन, सप्ताह में 2 बार डायलिसिस चल रहा था। समय
उसके बाद फिर उन्होंने एक और टेस्ट कराया है और इस समय इन्हें दोबारा कोलकाता से कराया है और मात्र 15 दिन के अंतराल पे इनका क्रिएटिनिन 3.8 की रेंज में आ गया। 3.8 ये कोलकाता से कराया है, 3.8 18 से 3 क्रिएटिनिन हो गया इनका मात्र 15 से 20 दिनों में, सही क्या? उसके बाद फिर दोबारा टेस्ट कराया और अभी जो लेटेस्ट कराया है ये कहाँ से कराया है? ये भी कोलकाता से, वही लगता है इस्लामी मेडिकल इंस्टीट्यूट में ये पैनल है। ये पैनल नहीं है, इसके बाद ये 1.1 क्रिएटिनिन आ चुका है 15 में 2023 की रिपोर्ट है। 18 क्रिएटिनिन अब एक हो चुका है। दोबारा बताइए थोड़ा सा सबको समझ आए। वो स्टार्टिंग में उनका 18 था है ना, उसके बाद फिर यहाँ से हमने दवा ली और यहाँ से कुरियर करा, एक दिन में वो पहुंच गया क्योंकि फास्ट में कुरियर करना था और ही वाज क्रिटिकली। उसके बाद मतलब पहले ही वीक में उन्होंने कहा कि हाँ उनको फायदा दिख रहा है, मतलब ही वाज फीलिंग कि हाँ बॉडी में भी थोड़ी ये आई थी है ना, तो उसके बाद उन्होंने वही कहा कि हाँ भाई फायदा हो रहा है मुझे। और उसके बाद फिर रिजल्ट उसके देखिए कि हाँ 3.4 भी रहा, 3.0 ये रहा, अभी 1.1 पे आ गया। आपका क्या नाम है? मेरा नाम जफर। जफर के चाचा जान सोहेल अख्तर जब आए थे गंभीर समस्या से जूझ रहे थे, बेड पे थे, क्या बताया था डॉक्टर्स ने? पटना में दिखा? अच्छा कोलकाता में दिखा? कोलकाता में कहाँ दिखाया था? कोलकाता में इस्लामिया हॉस्पिटल है, इस्लामिया हॉस्पिटल उसमें दिखाया। तो वहाँ पे क्या बताया था इनको कि अब तो डायलिसिस होगा? हाँ डायलिसिस चल रहा था, वीक में 2 हो रहा था। उसके बाद उन्होंने कहा कि देखो अभी डायलिसिस चलेगा और उसके बाद फिर धीरे धीरे हम इसको कम करेंगे। उस वक्त वीक में 2 बार हो रहा था, फिर बोले थे वीक में 1 बार कर देंगे, फिर 15 डेज चलेगा, लेकिन ऐसा चलता रहेगा ठीक है। लेकिन रिपोर्ट्स अच्छे आए फिर, तो फिर उन्होंने डायलिसिस को बंद कर दिया। डॉक्टर ने इस्लामिया इंस्टीट्यूट कोलकाता में इनको डायलिसिस बंद करने के लिए बोल दिया। जी हाँ, कर्मा आयुर्वेदा की सिद्धियों में एक और सिद्धि जुड़ गई है कि एलोपैथिक सेंटर ने जिनका क्रिएटिनिन बड़ा हुआ था 18 था, उसके बाद उनका क्रिएटिनिन 3 हुआ, उसके बाद 1 हुआ और वहां के एलोपैथिक डॉक्टर्स ने बोल दिया कि डायलिसिस की दोबारा डायलिसिस की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि अभी डायलिसिस की अब जरूरत नहीं है आपको, डायलिसिस हम लोग बंद कर देते हैं। डायलिसिस की जरूरत नहीं है, डायलिसिस हम बंद कर देते हैं, ऐसा कोलकाता के एलोपैथिक डॉक्टर्स ने कहा। वैसे कहा जाता है डायलिसिस बड़ा रेगुलर प्रोसेस है, इसे बंद करना मुश्किल है, एलोपैथिक डॉक्टर जैसा बता। वही स्टार्टिंग में वही वैसे कह रहे थे कि डायलिसिस अभी चलेगा ठीक है, अब ये होगा कि उसकी फ्रीक्वेंसी कम कर देंगे, जो वीक में 2 बार हो रहा है तो बाद में फिर 10 डेज में 1 बार होगा, लेकिन ये डायलिसिस अभी चलता रहेगा। लेकिन आफ्टर 40 डेज और 45 डेज जैसे कि अब इसकी जरूरत नहीं है तो आप जो है डायलिसिस बंद करते हैं, आप घर जा सकते हैं। सो राइट नाउ माई अंकल इज इन हिज नेटिव टाउन गया बिहार। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। क्या कर रहे हैं वहाँ पे गांव में? अभी तो बस आराम ही कर रहे, घूम रहे, टहल रहे, लोगों से मिल रहे, क्योंकि बीमार ज्यादा हो गए थे लोगों को, मतलब ये हो गया था और वो आना भी चाहते थे किसी तरह मैं घर अपने लौट के चले जाऊँ ठीक है, उनको ऐसा लग रहा था कि पता नहीं मैं जा भी पाऊंगा या नहीं। तो अब क्या हुआ कि वो अपने घर पे है, अब थोड़ी देर आराम कर रहे, फिर अब काम में लगेंगे, फिर जरूर बुलवाने भी लेकर आना उनको। हाँ डेली हम प्लान कर रहे हैं कि उनको बुलाएंगे है ना, तो करीमगंज में आराम अभी आराम फरमा रहे हैं। अभी करीमगंज में आराम फरमा। चलिए, बहुत गंभीर बीमारी से मात दे दी है सोहेल अख्तर जी ने और जफर जो मेरे साथ हैं अभी, सोहेल अख्तर उनके चाचा जान है, करीमगंज गया बिहार। करीमगंज में निवासी आप जहाँ के हैं, मैं पूरा श्योर हूँ कि वहाँ के लोगों को ये एक लग रहा हुआ कि ये बड़ा इनका बचना कैसा है आसपास के लोग, वैसा ही था, लोग समझने लगे थे जब जान देते कि यहाँ डायलिसिस पे चल रहे इतना और क्रिएटिनिन इतना चल रहा है, तो जो मतलब नियरेस्ट रिलेटिव थे उनको लगने लगा था कि पता नहीं क्या होगा। और मेरे जो कजन ब्रदर्स है ना वो मुझसे छोटे ही हैं, तो भाईजन कहते हैं वो मुझे तो फोन करके रोते थे और रो रहे थे कि भाईजन ऐसा है ये है कैसे होगा, हम बोले नहीं ऐसा नहीं है, बड़ा ठीक हो जाएगा है ना, धीरे धीरे थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन ठीक हो जाएगा, फिर यहाँ से दवा भेजें, फिर उनका इम्प्रूवमेंट जो है 1 वीक और 10 डेज में दिखने लगा है ना इम्प्रूवमेंट, ही बस फीलिंग के हाँ बेटर, पहले से बेहतर है। और उसके बाद फिर
डॉक्टर भी उनको कहे कि हाँ ठीक है, अब आपका रिपोर्ट सही आ रहा है, ठीक है, तो डायलिसिस को बंद। बहुत अच्छी बात है, और ये डायलिसिस की आवश्यकता नहीं पड़ी है। क्रिएटिनिन 18 से 3 हुआ, 3 से फिर नॉर्मल हो गया, रिपोर्ट बता रही है डायलिसिस भी बंद हो चुका है। और सोहेल अख्तर जी के सुपुत्र का फोन आया जफर के पास, और उन्होंने कहा भाईजान अब ये इलाज कराना है, उनको ठीक करना है। और जफर ने पूरा अपना फर्ज निभाया और चाचा जान की जो है उनको घर बिल्कुल सही सलामत पहुंचा दिया, क्रिएटिनिन नॉर्मल कर दिया उनको। क्रिएटिनिन जो है वो बिल्कुल नॉर्मल हो चुका है, डायलिसिस की आवश्यकता नहीं है, ऐसा इस्लामिया इंस्टीट्यूट कोलकाता ने भी कहा है इनको। मैं ठीक है यही बताया उन्होंने, हाँ यही बता करके डिस्चार्ज कर दिया, मतलब बोले कि अब आप अपने घर जाइए, कोई नहीं है ना। तो वैसा चलिए बहुत अच्छी बात है। क्या मैसेज देना चाहेंगे, ऐसे बहुत से लोग हैं गया में, बिहार में, पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में, तो उनके लिए क्या संदेश रहे, क्योंकि हताश हो जाते हैं पेशेंट जब उनको पता चलता है, जैसे उनको पता चला था। हाँ, बहुत लोगों को आयुर्वेदा के बारे में पता भी नहीं है, ठीक है, तो ऐसा है कि बहुत सारी चीजों का सही इलाज मुझे लगता है, अब लगता है खास करके कि आयुर्वेदा में है, ठीक है। हम लोग हर चीज में एलोपैथी पे चले जाते हैं, बट ऐसा नहीं है, आयुर्वेदा में भी बहुत चीजों का जड़ से इलाज है, ठीक है। और इसका रिजल्ट अभी पा करके ऐसा हुआ कि मतलब हम 10-20 लोगों को बोल सकते हैं कि नहीं भाई आप आयुर्वेदा में इसका इलाज देखिए, है ना। तो मैं तो इससे पूरा सेटिस्फाइड हूँ और कहता हूँ कि आयुर्वेदा मुझे लगता है इंडिया का ये है, सो वी शुड फील प्राउड अबाउट इट जी। और क्रिएटिनिन भी काफी कम हुआ है, तो आप तो आपके तो बिल्कुल आपके सामने रिजल्ट्स नजर आ रहे हैं। वही कह रहा हूँ, इसीलिए मतलब पूरी कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कि ये किसी और की स्टोरी नहीं है, मेरे खुद के, मेरे घर की स्टोरी। बात है। तो अभी परिवार में सब खुश हैं, तो वापस देखे गया मैं कई महीने में, सब लोग खुश हैं, मतलब मेरी आंटी मतलब उनकी वाइफ जो है वो भी फोन करती है अच्छे में ना कि हाँ वहाँ का दवा जो है बहुत अच्छा था, वो सूट किया। बहुत अच्छी बात है। और ये रिपोर्ट्स जो है ना, ये सबसे बड़ा प्रूफ है कि किस प्रकार से क्रिएटिनिन जो है वो 18 यानी बिल्ली जो है बिल्कुल खत्म सी हो गई है इस समय, आप समझ सकते हैं किडनी बिल्कुल काम नहीं कर रही है। 18 के बाद ये क्रिएटिनिन 3 हुआ, और 3 के बाद ये किस प्रकार से एक हुआ, ये सारे टेस्ट आपने इस्लामिया से कराए ना, कोलकाता से कराए जा रहे हैं। हमने तो नहीं कहा था ना कि कोलकाता से उधर से कराओ, वहां पे अपने आप से देख के कराए ना। बहुत अच्छी बात है। और इनको डिस्चार्ज किया गया, वहां पे कई बार टेस्ट किए गए इस्लामिया में, उसके बाद ही डिस्चार्ज करते हैं हॉस्पिटल में, जब वो पूरे शोर हो जाते हैं। हाँ, शोर हो जाते हैं, तभी वो कहते हैं, वो बोले कि हाँ अब जो है वैसी कोई बात नहीं है, आप घर जा सकते हैं। घर बहुत अच्छे रिजल्ट्स नजर आए हैं, खाने पीने का भी उन्होंने फॉलो करा, डाइट मेडिसिन गाइडलाइन सब चीजें फॉलो करी, और आज सोहेल अख्तर जी को डायलिसिस की जरूरत नहीं है, सोहेल अख्तर जी बिल्कुल फिट हो चुके हैं, और अपने गाँव में करीमगंज में है अभी गया में, तो गया से कोलकाता में काम करते हैं, कोलकाता से फिर दिल्ली आए। हाँ नहीं, दिल्ली आए नहीं वो, मैं दवा लेने फर्स्ट टाइम भी आया था, फर्स्ट टाइम भी मैं ही आया था, यहाँ से कुरियर किया दवा मैंने, ठीक है। तो वो कोलकाता में काम करते हैं और हमारा नेटिव टाउन जो है गया है। चलिए बहुत अच्छी बात है। स्टॉप मेरे साथ बोलेंगे, मेरे साथ फरमाएंगे, स्टॉप स्टॉप किडनी किडनी डायलिसिस डायलिसिस। तो सुना आपने, ये थी वो पूरी रिपोर्ट, ये थी वो पूरी वीडियो जिसमें जो पेशेंट के रिलेटिव हैं वो कैसे बता रहे हैं कि पेशेंट कुछ महीनों पहले ही कितना ज़्यादा परेशान थे। 18 थी उनके क्रिएटिनिन लेवल, जो कि 1.1 पर पहुंच चुकी है, डायलिसिस पूरी तरीके से बंद हो चुकी है, और भी जो शरीर में कई अन्य दिक्कतें थी वो भी खत्म हो चुकी है, और वो अभी अपना जीवन पूरे स्वस्थ तरीके से जी रहे हैं। अगर आप भी किडनी की किसी भी दिक्कतों से परेशान हैं तो कर्मा आयुर्वेदा में जाकर डॉक्टर पुनीत से मिलिए, उनसे कंसल्ट कीजिए, हो सकता है कि आप भी जल्द ही ठीक हो जाएं।